हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल मुख्तियार पेट केयर में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे काउपॉक्स के बारे में, जिसे हम पशुओं में चेचक रोग बोल सकते हैं। कि यह चेचक रोग किन कारणों से हमारे पशु में उत्पन्न होता है, क्या कारण होते हैं इस रोग के हमारे पशु को होने के, इसके क्या लक्षण नजर आते हैं और इसका ट्रीटमेंट या इलाज हम किस प्रकार से कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं हमारी ऐसी ही वेटनरी वीडियोस को देखने के लिए और उसका नोटिफिकेशन को पाने के लिए। ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो में एक लाइक जरूर दें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, हमें उत्साह मिलता है नेक्स्ट वीडियोज के लिए। सो अब बात करते हैं अडरपॉक्स या फिर काउपॉक्स के बारे में, कि काउपॉक्स किन कारणों से हमारे पशु में उत्पन्न होने लगता है या फिर इसके क्या लक्षण नजर आते हैं और इसका इलाज किस प्रकार से करते हैं। इसके बारे में जानने से पहले काउपॉक्स के बारे में जानते हैं। काउपॉक्स एक वायरस के द्वारा फैलाने वाला संक्रामक रोग है, जिसमें पशुओं के अडर और टीट्स में मीन्स लेबे और थनों में दाने हो जाते हैं या जख्म हो जाते हैं, पॉक्स लेसेंस जिन्हें हम बोलते हैं, वो निकल आते हैं। यह रोग जो है दूध देने वाली गाय भैंसों में अधिक पाया जाता है। एक बार जिस पशु को चेचक हो जाती है उसमें रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है और अगली बार जो है उसे चेचक रोग कई सालों तक नहीं होता है, दोबारा चेचक नहीं होता है उस पशु को जिसको एक बार चेचक रोग जो है अपनी चपेट में ले लेता है। तो और रोगों की तरह यह बड़े पैमाने पर चेचक का प्रकोप नहीं होता है, ये बड़े पैमाने पर नहीं फैलता है चेचक रोग कभी भी। यह रोग किसी किसी पशु में ही उत्पन्न होता है। हालांकि इसमें पशु मरता नहीं है इस रोग के कारण, लेकिन पशु के दूध देने की क्षमता जो है उसमें कमी आ जाती है या फिर पशु को मस्टाइटिस के कारण अधिक जो आर्थिक नुकसान है वो पशु का हो जाता है। तो इस रोग में मस्टाइटिस किस कारण से पशु को होती है, जब पशु के थनों या लेबे पर ज़्यादातर साले निकल आते हैं या पॉक्स लेसेंस उत्पन्न होते हैं, तो उसके कारण पशु में दर्द पैदा होता है अडर और टीट्स में, जिसके कारण पशु का जो दूध है वो पूरी तरह से नहीं निकल पाता। इस कारण से अगर पशु के लेवे और थनों में दूध रह जाता है तो इसमें पशु को मस्टाइटिस उत्पन्न हो सकती है। तो अगर पशु को चेचक रोग जो है अपनी चपेट में ले लेता है, इससे आपको मस्टाइटिस के लक्षण भी जो है इस रोग में दिखाई दे सकते हैं, अगर पशु के लेवे से पूरी तरह से दूध नहीं निकाला जाता। तो अब बात करते हैं कि क्या कारण होते हैं हमारे पशु में चेचक रोग उत्पन्न होने के। तो इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि अगर पशु में काउपॉक्स अपनी चपेट में लेता है तो जो व्यक्ति उसका दूध दोहता है मीन्स दूध की चुवाई करता है उस पशु की, तो उस व्यक्ति को भी जो है चेचक रोग अपनी चपेट में ले सकता है। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति को चेचक रोग हुआ है तो वो व्यक्ति जिस पशु की चुवाई करता है या दूध दोहता है उससे उस पशु में भी काउपॉक्स के जो लक्षण है वो पाए जा सकते हैं या काउपॉक्स उसको अपनी चपेट में ले सकता है। इसमें हैरान करने वाली ये भी बात है कि मनुष्यों में जो भी वैक्सीन लगाई जाती है चेचक रोग की रोकथाम के लिए, वो काउपॉक्स के वायरस से ही बनाई जाती है। दूसरा कारण है कि अगर हमारा पशु जो है रोगी पशु के सीधे संपर्क में आ जाता है तो इससे तंदुरुस्त पशु में भी चेचक रोग जो है हो सकता है। इसके अलावा दूध चोने वाला व्यक्ति के अगर हाथों से भी जो है गाय भैंस में ये फैल सकती है। अगर व्यक्ति जो है रोगी पशु की पहले चुवाई करता है तो बाद में दूसरे स्वस्थ पशुओं की चुवाई करने से भी ये दूसरे पशुओं में फैलने का जो है चांसेस बढ़ जाते हैं इस रोग में। अगर पशु के थन या लेबे में कोई खरोच है या कोई जख्म है उस प्रकार से भी जो है पशु में इस चेचक रोग का वायरस फैल सकता है, जिसके कारण पशु जो है चेचक रोग की चपेट में आ सकता है। इससे इसके चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं पशु को चेचक रोग होने से। जिन पशुपालकों के चेचक के टीके लगते हैं, जब चेचक की वैक्सीन लगती है, उसके कारण भी पशुओं में चेचक रोग या काउपॉक्स जो है उत्पन्न हो सकता है। चेचक रोग मादा पशुओं में ज़्यादा फैलता है नर पशुओं की बजाय, क्योंकि दूध चोने के लिए पशुपालक है जो कई पशुओं के संपर्क में आता है, और इस प्रकार से अगर किसी रोगी पशु की चुवाई करता है पशुपालक पहले, तो दूसरे पशुओं की बाद में चुवाई करने के कारण जो है और पशुओं में एक साथ ये चेचक रोग फैल सकता है। और इस रोग का जो वायरस है वो गर्मी में एक्टिव नहीं होता है, गर्मी में यह रोग बहुत कम होता है, और सर्दी में जो चेचक रोग है वो पशुओं में अधिक पाया जाता है गर्मी के मुकाबले। तो गर्मी में पशुओं को चेचक रोग जो है वो बहुत ही कम होता है या नामात्र के बराबर होता है। अब बात करते हैं चेचक रोग के सिम्टम्स के बारे में, कि क्या लक्षण हमें चेचक रोग में नजर आते हैं अपने पशु में या क्या लक्षण जो है उत्पन्न होते हैं हमारे पशु में। चेचक रोग में 3 से 6 दिन के बाद जो है पॉक्स लेसन उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले जो है अडर जल जिसको हम लेवा बोलते हैं वो हल्का गर्म हो जाता है, और बाद में पशु के लेवे पर लाल दाने उभरने लगते हैं या उभर आते हैं, जो बाद में फफोले बन जाते हैं, बड़े बड़े सालों का रूप धारण कर जाते हैं।
और इन फफोलों के बीच की अगर हम बाघ को दबाते हैं अपनी उंगली से तो गड्ढा बन जाता है इन फफोलों में। पशु के लेवे पर जो है वो गोल साले बनते हैं और थनों पर जो है अंडाकार साले पैदा होते हैं, जो बाद में पशु पालक के द्वारा दूध की चुवाई करते समय या दूध चोते समय अपने आप फट जाते हैं या फूट जाते हैं। और इन स्थानों पर लाल मोटी पपड़ी बन जाती है जो इन फफोलों से पस निकलती है, उसके कारण पशु के थनों और लेबों में पपड़ी पैदा होने लगती है या पपड़ी बन जाती है जो 2-3 दिन में अपने आप हट जाती है और लेबे की चमड़ी जो है वो अपने आप ठीक हो जाती है 2-3 दिनों में। अब बात करते हैं सिम्पटम्स के बारे में। कॉपॉक्स का सबसे मेन सिम्पटम्स है इन पे अडर और टीट पर हल्के गर्म चेचक के दाने पैदा होते हैं जो बाद में अपने आप जो है फट जाते हैं और 10-15 दिनों में ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। इससे अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं कॉपॉक्स का तो कॉपॉक्स की जो मेन ड्यूरेशन है वो 10 से 15 दिनों की होती है। इसके बीच बीच में कॉपॉक्स अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये मेन लक्षण है कि पशु के लेवे और थनों पर साले होना, ये कॉपॉक्स का एक मेन सिम्पटम्स है। इसके बाद पशु को हल्का बुखार हो सकता है, पशु का टेम्परेचर जो है वो बढ़ सकता है और पशु चारा दाना जो है वो कम खाता है, 104 डिग्री फारेनहाइट बुखार रहता है पशु को और पशु हमारा जुगाली भी कम करता है, सुस्त अवस्था में रहता है और लेबे की सोजिश या लेबे में सालों की वजह से दर्द पैदा होता है पशु में जिसके कारण पशु बेचैन रहता है। और कॉपॉक्स के कुछ गंभीर मसलों में पशु के जो पैर पर भी जो है फफोले हो सकते हैं या जो खुर होते हैं पशु के उनके बीच में भी कॉपॉक्स के जो दाने हैं या साले हैं वो पैदा हो सकते हैं और बल्बा या गुदा के अंदर भी इस प्रकार के दाने जो हैं कॉपॉक्स में पैदा हो सकते हैं, गुदा के अंदर साले पैदा हो जाते हैं अगर पशु में गंभीर कॉपॉक्स जो है पैदा होता है। और इस प्रकार से बछड़ों को दूध पीने के कारण में भी मुंह में दाने पैदा हो जाते हैं अगर पशु जो है उसका जो बछड़ा है वो उस पशु का दूध पीता है जो कॉपॉक्स के अफेक्टेड है। अब बात करते हैं कि आप किस प्रकार से इस पशु का डायग्नोस कर सकते हैं। आप कॉपॉक्स का जो डायग्नोस है वो सिम्पटम्स के आधार पर, लक्षणों के आधार पर कर सकते हैं। इसमें पशु के लेवे और थनों पर छोटे कम या दर्दयुक्त फफोले बन जाते हैं जिसमें पस भरी रहती है, तो आप इस प्रकार से आप पशु का डायग्नोस कर सकते हैं। इसमें आपने ये भी ध्यान रखना है कि FMD रोग जो है जिसको हम खुरपका या मुंह पका रोग बोलते हैं उसमें भी पशु के मुंह खुर और जो थन और लेवा होता है उसमें साले पैदा हो जाते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप पशु को FMD है उसमें साथ में मुंह और खुरों पर भी साले होते हैं पशु के लेवे और थनों के सालों के साथ। साथ में अगर पसेडू कॉपॉक्स जो है जो पशुओं में पसेडू कॉपॉक्स होता है तो आप उससे भी जो है डिफरेंट डायग्नोस जो कर सकते हैं। पसेडू में क्या होता है कि बड़ी संख्या में पशु के शरीर पर फफोले पैदा होते हैं, मीन्स दाने बन जाते हैं पशु के पूरे शरीर पर, और जो कॉपॉक्स है उसमें पशु के लेवे और थनों पर ही साले या फफोले पैदा होते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि आप कॉपॉक्स का ट्रीटमेंट या इलाज किस प्रकार से अपने पशु में कर सकते हैं। कॉपॉक्स जो है और बैरल रोगों की तरह है, इसका कोई विशेष इलाज नहीं है, इसलिए आप सिम्पटम्स ट्रीटमेंट ही दिया जा सकता है पशु को। वैसे तो जो चेचक रोग है या कॉपॉक्स है वो अपने आप कुछ समय बाद, मीन्स 10 से 15 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाता है। अगर आप अपने पशु को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तो भी जो कॉपॉक्स है वो 10 से 15 दिनों में अपने आप ठीक होने लगता है। जब भी हम दूध की चुवाई करते हैं तो वो साले जो हैं वो फूट जाते हैं जिसके कारण वहाँ पपड़ी बनती है और अपने आप सूख कर जख्म जो है वो सही हो जाते हैं। लेकिन आप फिर भी जो है पशु में अफेक्टेड एरिया जो है लेवा और थन है उन पर बीटाडीन लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि आपने बीटाडीन क्रीम नहीं यूज़ करने, आप बीटाडीन लिक्विड ही यूज़ करें। बीटाडीन लिक्विड जो है उससे आप पशु के लेवे और थनों को धो सकते हैं अच्छी तरीके से। साथ में आप सेकेंडरी इन्फेक्शंस को रोकने के लिए पशु को पेंसिलिन का इंजेक्शन दे सकते हैं। पेंसिलिन इंजेक्शन जो है आपने सेकेंडरी इन्फेक्शंस को रोकने के लिए यूज़ करना है तो आपने ये लॉन्ग एक्टिंग ही देना है और आप इसका जो है 10 से 20 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से IM रूट से अपने पशु को दे सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं कि आप किस प्रकार से अपने पशु को कॉपॉक्स से बचा सकते हैं या फिर आप अपने पशुओं में किस प्रकार से कॉपॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप अपने पशुओं को कॉपॉक्स से बचाना चाहते हैं या चेचक रोग से बचाना चाहते हैं कि आपके पशु इस रोग की चपेट में ना आए, तो आप अपने जो भी स्वस्थ पशु हैं उसका दूध जो है या दूध की चुवाई करते हैं तो रोगी पशु से पहले करें। मींस अगर आप रोगी पशु की जो चुवाई है वो पहले करेंगे तो इसका जो वायरस है वो आपके हाथों के साथ और स्वस्थ पशुओं में भी फैल सकता है जिसके कारण पशुओं में जो है चेचक रोग उत्पन्न हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप स्वस्थ पशुओं की चुवाई जो है वो पहले करें, बाद में रोगी पशु की चुवाई करें। साथ में आप इससे बचने के लिए पशु के लेवे और थनों को चुवाई के बाद पोटासियम परमैंगनेट, जिसको हम
लाल दवा बोलते हैं, उसके साथ साफ कर सकते हैं, उसके साथ धो सकते हैं। तो आपने ये 1 से 2% पानी में घुलकर पशु के लेवे और थनों को आपने साफ कर देना है। इसके बाद बात करते हैं कि इंजेक्शन के बारे में, कि हम ऐसा कौन सा इंजेक्शन अपने पशु को लगा सकते हैं जिससे हमारे पशु में चेचक रोग ना हो। तो इसके लिए वैक्सीन आती है, स्पेशल कॉपॉक्स वैक्सीन। आप वो इंजेक्शन जो है वो वैक्सीन है अपने पशु को दे सकते हैं। हर साल आप अपने पशु में कॉपॉक्स की वैक्सीन लगा सकते हैं चेचक रोग से अपने पशुओं को बचाने के लिए। तो इस प्रकार से आप अपने पशुओं को चेचक रोग, जिसको हम कॉपॉक्स बोलते हैं, उससे बचा सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को, हमारी मोटिवेशन के लिए। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जो है कॉपॉक्स के इलाज के बारे में पता चल सके। अगर किसी के पशु को कॉपॉक्स के जो सिम्टम्स हैं वो नज़र आते हैं तो वो अपने पशु का ट्रीटमेंट कर सकता है। ऐसी ही वेटनरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, आपको ऐसी ही वीडियोस देते रहेंगे। हमारी वीडियोस को देखने और पसंद